वंदे मातरम। मैं राजकुमार, आईटी सर्विस जोन बोरिंग रोड पटना। पटना एडमिशन के माध्यम से मैं आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जरूरी बात करने हैं। आज पूरा विश्व, साथ साथ अपना भारतवर्ष भी भयानक महामारी ग्लोबल कोरोना से जूझ रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बहुत सारी जानकारियां साझा की जा रही हैं, सरकार के तरफ से भी ढेर सारे कदम उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके नोवल कोरोना अपना दहशत फैलाए जा रहा है। हमें सजग होने की आवश्यकता है। इतिहास गवाह है हमारा भारतवर्ष सब्र और धैर्य की बदौलत बहुत सारे जंग जीत चुका है। हमें इस भयावह महामारी से भी जंग जीतना है। ये नोवल कोरोना भले ही पूरे विश्व में अपना दहशत फैला के उन लोगों को डरा चुका हो, लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सब्र रखें, धैर्य रखें और पूरी सजगता के साथ सजग रहें, सावधान रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। ये मामूली एहतियात बरतने से ही ये कोरोना हमसे हार सकता है। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, पटना एनिमेशन के माध्यम से, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भूलने नहीं देती, ना ही किसी के नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। फिर ये वायरस नोवल कोरोना क्या है, हम इसे भी हरा सकते हैं और अपना विजय ध्वज लहरा सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, ये सही बात है, विकट परिस्थिति में भी वो लोग हास्य ढूंढ लेते हैं, ये अच्छी बात है, मगर एक दायरा होना चाहिए। हमें अपने संस्कृति, अपने संस्कारों को भूलना नहीं चाहिए और उसके तहत, उसके दायरे में रहकर हम इन व्यंग को, इन मजाक को हंसी बना सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस भयावह स्थिति में आप इस पे हंसी करें और इसे टाल दें, ये कतई उचित नहीं। हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, इससे लड़ने की आवश्यकता है। तो आज से हम संकल्प लें, अभी से, क्योंकि अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी राष्ट्र भावना है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, प्रकृति से स्नेह है, तो हम इस प्रकृति को सजोए रखें और राष्ट्र को इससे लड़ने में मदद करें। हमें आप सबों की मदद की आवश्यकता है और आपसे मदद अपेक्षित भी है। पुनः एक बार आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, अपने आसपास साफ सफाई रखें, कार्यालय जहाँ पे हमारा कार्य होता है वैसी जगहों पे साफ सफाई रखें, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, सार्वजनिक जगहों पे जाते समय अपने हाथों से अमूमन हम किसी चीज को छू लेते हैं, इससे परहेज करें। हर आधे घंटे पे अपने हाथों को 20 सेकेंड के लिए पूरी तरह साफ करें, नाक मुंह चेहरे को छूने से बचें, छींके खांसी आती हो तो उस समय अपना मुंह बंद करें, कोई भी चीज हो सकती है। और ये उत्पाद, एक जरूरी बात और आपको बताना चाहूंगा, ऐसी भयावह स्थिति में भी, ऐसी महामारी में भी लोग अफवाहें फैला के अपना स्वार्थ साध रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें। जो 30 रुपए का मास्क 150 रुपए में मिल रहा है, 200 रुपए में मिल रहा है, जरूरी नहीं इस मास्क को पहन के घूमें। हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहाँ से रहते हैं, हम ये अंगोछा जो 60 रुपए 80 रुपए में आता है, उस अंगोछे से भी अपने चेहरे को ढक सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि उत्पादों में अपना व्यय करें। और मैं उत्पाद बेचने वाले बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी भयावह स्थिति में, जहाँ संपूर्ण पूरा विश्व जिससे जूझ रहा है और लड़ने की कोशिश कर रहा है, इसमें इन छोटी सी चीज़ों का फायदा ना उठाएं और सभी को सहयोग करें। पूरा जीवन पड़ा है धन अर्जित करने के लिए, और तरीके हैं, लेकिन इस भयावह स्थिति में इसका फायदा बिल्कुल नहीं।
अगर मानवता आपके अंदर है, इस पे अमल जरूर करें। नमस्कार, वंदे मातरम।